ਇਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ। मैं अल्लाह नू हाजर नादर रख के कह रहा ये अदारे नू किसे को पता चले है। अदारा चल के मेरे को आया, पहले 3 दिन बाद 15 दिन बाद उन्होंने मेरी हथों कट दी लत, जख्म अपनी जगह देते नहीं ठीक होया। 3 दिन के बाद सर उन्होंने मेरी उतों लत कट दी कि मेरी 4 बेटियां ने छोटिया छोटिया, मेरा होर कोई कमाण वाला नहीं, कोई आसरा नहीं। मैं अपनी गौरमेंट पाकिस्तान नू यह अपील करना इन्ने जोगा कर दिता जाए कि मैं अपनी लत मैंने लवा दें, मैं अपने बच्चों का रोज़गार जोड़ा इज्जत के नाल मैं फिर कमान जोगा हो जाऊँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाथरीन, मैं हाँ बाबर बेग और तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABHD TV, और मैं खिदमत इंसानियत के सिलसिले च हाज़र हाँ जी। और मेरे नाल ने भाई ने साढ़े गुलाम बास साहब, वैसे तो ये म्यूजिक की दुनिया नाल मुंसलिक सन, लेकिन इन्हां दी एक लत जिहड़ी है उहदे तों इह माजूर हो गए ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ो ईमान च रखे, और एक उंगली भी ना होवे ते इंसान मजूर और मजबूर हो जाता है। और अलबत्ता अल्लाह दा लख ते करोड़ दफा एहसान है, अल्लाह ने इन्हां नूं जिंदगी बख्शी। इह हादसा इन्हां नाल किवें पेश आया, इन्हां दी लाइफ कैसी गुजरी है, उस हवाले नाल असीं गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो गुलाम बाद साहब की तुहाडे नाल प्रॉब्लम पेश आया है, तुसी बिल्कुल ठीक सौ ते तुहाडी लत जिहड़ी है कटी गई है, की रीज़न बनिया? सर अलहमदुलिल्लाह, मैं अपनी फैमिली दे विच बहुत ही मालिक दा करम सी। मैं अपने बच्चों वास्ते रिज़्क़े हलाल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर, मैं कीबोर्ड प्ले करना सा जी, फील्ड का बंदा सा। मैं काम तो जा रहा था, शुगर से मैनू, मेरा मोटरसाइकिल तो गिरिया, एक्सीडेंट होया, चिंगसी वाले ने मैनू साइड मारी, रोड के उत्ते सारे शीशा गिरिया सी, मेरे पैर की हड्डी के विच वजे है, उन्हें मेरी लत नू डैमेज किया है। पहले 3 दिन बाद 15 दिन बाद उन्होंने मेरी हथों कट दी लत, उस बाद जख्म अपनी जगह देते नहीं ठीक होया। 3 दिन के बाद सर उन्होंने मेरी उतों लत कट दी, जबकि मेरी 4 बेटियां ने छोटिया छोटिया, मेरा होर कोई कमाण वाला नहीं, कोई आसरा नहीं। तो यह कुदरत की जात ने मेरे नाल होया, लेकिन अलहमदुलिल्लाह मैं अलहमदुलिल्लाह मैं इस हाल के विच भी अपने रब की शुक्र अदा करना कि मालिक ने मैं जिंदगी बख्शी है। लेकिन मैं अपनी गौरमेंट पाकिस्तान को यह अपील करना कि मैनू इन्ने जोगा कर दिता जाए कि मैं अपनी लत मैंने लवा दें, मैं अपने बच्चों का रोज़गार जोड़ा इज्जत के नाल मैं फिर कमान जोगा हो जाऊँगा जी। अच्छा, कितनी देर हो गई तुहाडी लत नूं कटी हुई? सर मेरी लत नूं 3.5 साल हो गए ने जी, जी 3.5 साल हो गए ने मेरी लत नूं। इह मुहर्रम नूं पूरे 3 साल, 3 मुहर्रम नूं मैनूं 3 साल हो जाने ने लत मेरी कटियां। 3 साल हो गए जी। अच्छा, तो तुसी ओमी हस्पताल जिहड़ियां उत्थे लत्तां लुत्तां बणाउंदे ने, तुसी वैसे उत्थों पता कीता जाके ट्राई कीती है कि लत मैनूं लग सकदी है? अगर लग सकदी है तो किन्ने दी लग सकदी है, किहड़ी क्वालिटी दी लग सकदी है? सर मैं उत्थों कीता सी पता, उन्हें मन किया जी 1 लाख रुपए की लत लगेगी, लेकिन उत्ते फ्री भी लाते सन। जी फ्री लत सी लक्कड़ की तकरीबन 8 तो 9 किलो की लत सी, वह मैनू उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाते रहे, मेरे को एक्सैप्ट नहीं हुई वो मेरे को वजन, क्योंकि मेरी लत सिर्फ इतनी को बची है। अच्छा, ये नाल मैं वो वजन नहीं चुक सकिया, जिदी वजह के उत्तों मैं क्या कि जुत्ती अगर यो ही लत मैं देनी, मेरी जगह पर कोई होर भी गरीब है तुम आ उन्होंने दे दो, मैं नहीं है, क्योंकि मैं ला के मैं चल ही नहीं सकता। मैं चाह रहा मैं कोई सॉफ्ट जी लत, अच्छी लत मेरी लगे कि जिदे मैं चल के अपने बच्चों का रिजक कमा सकता और अपनी फैमिली अफोर्ड कर सकता आप कमा के। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए की जी लत है वो थानू ईजी है, मतलब तुम चल सकते हो? मैं लुआई है लत। अच्छा। और मेरा बैलेंस नहीं बन रहा जी, नहीं वो मैं बैठ के पेशाब भी नहीं कर सकता, वो मैं किसी को हेल्प लैन तो बगैर चल भी नहीं सकता। वो मैं सर मेरी अंदर लत पई है, वह लत का मेरा अगर मैं वो वजन पाना तो मेरा 3 इंच का फर्क पै जाता, मेरी लत जी ठीक है 3 इंच वैंड हो जाती है, जिदी वजह के उत्तों वो मेरे को ठीक चलिया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, नहीं तुसी जिहड़ी लत लवानी चाहते हो किस तरह की है? मैं कहना तुसी को देखी है, पसंद की है, किसी ने तुहानू मालूमात लई है, राय दिती है किसी ने? सर मैं हाले देखी तो नहीं, लेकिन मैं नेट के उत्तों मैं सर्च
जिस वक्त मैं मंजी के उत्ते पिया सा मैं मेरी सोच यह होंगी सी कि मालिक कोई ऐसा फरिश्ता तो भेजेगा कि जेड़ा मेरी भी हेल्प कर सके। मैं सर्च करता रहना सा, फिर मैं मैसेज लिख के अपने मोबाइल से सुट देना था। उतों फिर मैं बाहर कंट्रिया के लत्तां जड़ियाँ उन्होंने सैंपल आते सन, लेकिन वो इतने महंगे आते सन कि मैं अफोर्ड नहीं था कर सकता। मैं फिर वो लत्त वाला इंट्रस्ट नहीं था लेंदा। अच्छा, ठीक है जी। अज अदारा आया इन्होंने कहा जी कि अल्लाह के हुक्म के नाल असी थोड़ा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ थोड़ी लाद दिखाता थोड़ा बेहतर सोचेंगे। और मेरी थोड़े अगर रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा पाकिस्तानी हाँ और मैं पाकिस्तान का एक खूनखार इंसान हाँ। मैं अपने मुल्क तो जान भी दे सकना, मैं एक लत के नाल भी अपने मुल्क तो जान दे सकना, लेकिन मेरा मुल्क मैनू एने जोगा कर दे कि मैं अपनी औलाद की खातर इज्जत कमा सकता। जी लत हूँ थोड़ी अंदर पई है ये एक लख रुपये की लगी सी? जी एक लख रुपये की लगी सी सर। कंफर्टेबल नहीं? नहीं सर, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं सर। मैं जिस वक्त वो तो वजन पाना ना सर, मेरी तीन इंच लत जी मेरी वैंड हो जाती, फोल्ड हो जाती, जबकि ए वजन होने की बजाय ज़्यादा डबल वजन मेरे से पै जाता है। तो मैं वो लत जी लाई मैं आसरे के नाल चल सकना या दूसरे हाथ स्टिक फड़ना, फिर हल्का हल्का तकरीबन 10 से 15 मिनट तो ज़्यादा नहीं मैं उदा चल सकता, चलना तो मेरिया लत्तां फुल जांदियां ने। तुसी चाहते हो कि तुहानू लत लग जाए और तुसी जिहड़ा नाज़रीन जिहदे कोल ते है वे उहदे लई बड़ी कोई कास्टली चीज़ नहीं, उहदे लई ते एवें ही है, अल्लाह दा करम है ना। तो अल्लाह दा करम होवे ते फिर कुछ भी एवें ही हुंदा है, ते जिहदे कोल नहीं उहदे वास्ते पहाड़ है, बड़ा वड्डा मरला है जिहड़ा उहने तय करना है। सोए वे कि गुलाम बाज साहब जड़े ने अल्लाह ताला इन्हां लई आसानियां फरमाए, ये बेटियां ने इन्हां दियां छुट्टियां छुट्टियां चार और ये अपनी बेटियां दा रिजक कमाना चाहते ने। सो मैं चाहना कि इन्हां दा ये लत दा जिहड़ा मामला है वह हल हो जाए ताकि मतलब ये अपने पैरां दे चल सकन और अपनी रोज़ी जिहड़ी है वह कमा सकन। कोई भी ऐसा भाई ऐसा दोस्त ऐसा अजीज़ जिहड़ा कि इन्हां नूं इन्हां दे पैरां दे खड़िया कर दे और अपने बच्चों का रोज़गार कमाण और ये कारोबार तुहाडा अल्लाह नाल है, इहदा अजर अल्लाह कोल महफूज है क्योंकि अल्लाह का यही वादा है कि तू मेरे बंदे नाल कर लेकिन लैण देण तेरा मेरा है। सो ये तुसीं रब नाल अकाउंट खोलना है और अल्लाह दे नाल तुहाडा कारोबार है। तुसीं कोई अपना पैगाम कोई गलबात कहनी चाहते हो तुसीं कह सकते हो? जी मैं सिर्फ इहो ही पैगाम अपने मुल्क नूं देना चाह रहा कि अल्लाह पाक दे दित्ते दे विचों तुसीं देना है। अगर तुसी मेरे उत्ते अज आसान करते हो तो यह तुहाडा अजल तुहानू अल्लाह पाक ने देना है। तुसी मेरे उत्ते एक माजूर समझ के तुसी मेरे ते आसान करना है, लेकिन अगर तुसी मेरे उत्ते एक रुपया लाना है तो एदा इवज तुहानू अल्लाह ने देना है। मैं तो तुहानू मैं और मेरी आल औलाद तुहानू दुआवां तो अलावा कुछ नहीं दे सकते। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वास्ते जो कुछ तुसी कर सकते हो मेरे माजूर दे उत्ते ऐ नेकी कर दो कि मैं चल फिर के अपने बच्चों का रिजक कमा सकाँ। और 10,000 रुपया थोड़े लिए खिदमत इंसानियत की तरफों है। हेलो जनाब ती तो इंशाल्लाह जो अल्लाह नू मंजूर है अगली गल अल्लाह कोले साड़ी कोशिश जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। देखें जी मैंने इनको नहीं बुलाया, लेकिन ये इनों को किसी से पता इन्हों किसी को पता चलिया मेरा इस अदारे का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि इन्होंने आके अल्लाह नू हाजर ना रख के कह रहा यह अदारे नू किसे को पता चले है। अदारा चल के मेरे को आया आके मैं अदारे ने 10,000 रुपया दिता है। उन्होंने कहा जी अपने घर का राशन पाओ तो असं थोड़ी खिदमत और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं इस अदारे का शुक्रिया अदा कर रहा कि मालिक दी जात इन्हां दे उत्ते मेरा मौला कोई अजाब ना लियाना, इन्हां नूं अपने इज़्ज़त अमान च रखो मेरे मालिक, इन्हां दे बच्चियां दे उत्ते मेरे मौला अपनी रहमत का फरिश्ता जिहड़ा तुसीं बस अल्लाह ते उम्मीद रखो। अल्लाह बड़ा रहीम ते करीम है, दारुल सवाब है, अल्लाह देखना कोई फरिश्ता भेजेगा और इंशाअल्लाह तुसीं अपने पैरां ते चल रहे होवोगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैनू उम्मीद है कि मेरिया बच्चिया छोटिया छोटिया जेड़ा मेरे ते अनेकी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह उन्हों बहुत अजल देगा इस गल का। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन इस तरह दियाँ हज़ारां लखां दास्ताना ने सुनन दा हौसला नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता, इंसान टुट जाता है। शायद असीं भी बिल्कुल उन्हां सर्जन डॉक्टरां की तरह आदी हो चुके हैं कि हुण ते उह साडे भी दिल चों शायद जिहड़ी उह गल देख के ते रोज़मर्रा दा मामला शायद बेहिस हो गए हैं या पत्थर दे हो गए हैं, लेकिन अलहमदुल्ला अल्लाह ने जिहड़ी ड्यूटी लाई है तो इन्हों निभाने की कोशिश कर रहे हैं। खिदमत इंसानियत का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। ये ही मैं इजाजत चाहवागा। अगर तुम इन वास्ते कुछ भी ना कर सको तो इन्हों की वीडियो जी है उन्होंने व्ध तो व्ध शेयर करना ताकि किसी ऐसे भरा तक पहुँच जाए जड़ा कहे कि भाई जी इन्हों का काम जरा लो हो गया। जजाकला तो भी अजर उन्ना ही मिलेगा जिन्ना उस बंद मिलेगा इन्हों की लत लवाने वाले। ये ही मैं इजाजत चाहवागा। पाकिस्तान जिंदाबाद।